Hello, my dear students. I welcome you all to watch this channel beta. I hope all of you are happy and healthy and doing your work properly and regularly. एक छोटी सी रिक्वेस्ट बेटा आप सभी से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके बेटा नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए आपको मिल जाए उसी टाइम तुरंत आप देख सके आराम से लेक्चर को एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जरूरतमंद बच्चों के पास जरूर भेजो इसको ताकि उनको भी हमारे लेक्चर्स मिल सके, वो भी कुछ प्रॉफिट उठा सके, भलाई कर देनी चाहिए. ओके नाउ करते रहो इस काम को फिर रेगुलरली नॉन स्टॉप. लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर बेटा. स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हमारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस न्यूमेरिकल्स बेटा रिलेटेड टू दिस टॉपिक बोहर्स मॉडल. स्टेटमेंट मैंने लिखी ही है, वी डिस्कस दिस न्यूमेरिकल्स इन दिस लेक्चर. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन फर्स्ट. क्या है भाई? कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन. हीलियम आयन के फर्स्ट ऑर्बिट के साथ एनर्जी जो एसोसिएटेड होगी वो कैलकुलेट करनी है आपको. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, मीन फर्स्ट ऑर्बिट की ही आपको रेडियस भी कैलकुलेट करनी है. वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन. हाइड्रोजन आयन पार्टिकल हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ऑफ एनर्जी En फॉर हाइड्रोजन आयन पार्टिकल्स. फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? En इज इक्वल टू क्या था? हम पुट कर सकते हैं बेटा वैल्यू -21.8 × 10⁻¹⁹ अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जूल्स पर एटम. आपको एनर्जी जूल्स पर एटम में कैलकुलेट करने दिया है. फॉर्मूला मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. बेटा किलो जूल पर मोल में -1312 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फॉर्मूले बना. जिस भी यूनिट्स में आपको कैलकुलेट करना आप कर सकते हैं. सपोज मैं जूल्स पर एटम में कैलकुलेट कर रहा हूं. ओके तो जूल्स पर एटम में अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला बनेगा बेटा पुट द वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन आयन पार्टिकल. क्या है यहां पर हाइड्रोजन आयन पार्टिकल? यहां पर हीलियम आयन एसोसिएटेड विद हीलियम आयन. बेटा फॉर हीलियम आयन कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड? टू, एटॉमिक नंबर टू होता है एंड फर्स्ट ऑर्बिट है एन इज वन. पुट दिस वैल्यूज हियर व्हाट वी गेट देयरफॉर En एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? -21.8 × 10⁻¹⁹ इंटू एन की वैल्यू क्या बेटा? जेड की वैल्यू क्या बेटा? टू का स्क्वायर फोर हो गया अपॉन एन वन का स्क्वायर. सोल्व करो बेटा इसको. फोर से मल्टीप्लाई करेंगे -8.72 × 10⁻¹⁸ आएगा. डेसिमल मैंने एडजस्ट कर दिया इसमें. जूल्स पर एटम दिस इज एनर्जी ऑफ एन वन है ना बेटा, इसलिए मैंने वन पुट कर दिया. तो इवन हम लिख सकते हैं यहाँ पर. वी कैन राइट इवन हेयर बेटा दिस. तो क्या बन गया? इवन इज इक्वल टू क्या आ गया? -8.72 × 10⁻¹⁸ जूल्स पर एटम. ये आंसर हो गया आपका. फर्स्ट आंसर हो गया बेटा आपका एनर्जी के लिए. अब हमें कैलकुलेट करनी है बेटा इसमें रेडियस. रेडियस व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? दिस ऑर्बिट मीन फर्स्ट ऑर्बिट. तो नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रेडियस बेटा? रेडियस के लिए Rn इज इक्वल टू क्या था? a₀ × n²/z. हाइड्रोजन आयन पार्टिकल के लिए ही. हीलियम आयन के लिए z की वैल्यू क्या है? 2 पता है आपको. और n कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट है. n इज 1 एंड z इज 2. फॉर दिस वैल्यू है a₀ क्या होगा बेटा? अगर हमें बेटा पिकोमीटर में कैलकुलेट करना है तो a₀ की वैल्यू हम ले सकते हैं 52.9 पिकोमीटर. मैंने बताया था बोहर्स मॉडल में. अगर हमें नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है तो वी कैन टेक दिस 0.0529 नैनोमीटर ले सकते हैं. अगर हमें एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना है तो बेटा 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी. वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग होगी a₀ की. अगर हमें नैनोमीटर में कैलकुलेट करना है रेडियस तो हम पुट कर सकते हैं. ये वैल्यू बन जाएगी 0.0529 नैनोमीटर. पुट करो 0.0529 इंटू एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन जेड 2. सॉल्व कर दो बेटा. आफ्टर सॉल्यूशन यू कैन गेट दिस रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. R1 आ गई आपके पास 0.02645 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको
हाफ हो जाएगा इसका 0.02645 नैनोमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन केस ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन के केस में बेटा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस हो गई है। अंडरस्टैंड किया? सिंपल बिल्कुल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हीलियम आयन क्या? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, उसके लिए फॉर्मूला एनर्जी का ही होगा, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर किया बेटा, और कुछ नहीं है। हीलियम आयन के लिए जेड की वैल्यू 2, एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, पुट कर दी सॉल्व हो गया। इसी तरह रेडियस ए नॉट इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, पुट कर दी वैल्यू सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है बेटा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि द आयनाइजेशन, बताया क्या गया पहले हमें, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन की आयनाइजेशन एनर्जी हमको गिवन है यहाँ पर बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज 8.72 इनटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल्स पर एटम। ये दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, हाँ जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम आयन। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम आयन की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, गिवन क्या आपको? आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, एक्चुअली पहले ये बताता हूँ आपको। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड मीन अकेला गैसेस फॉर्म में कोई भी एटम है, उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेटा, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब कब मानेंगे हम इलेक्ट्रॉन की रिमूव हो गया है? अगर बेटा ग्राउंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में, ग्राउंड एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर चला जाए इलेक्ट्रॉन, तो हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। क्यों? बिकॉज एट इनफाइनाइट एनर्जी लेवल द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेग्लिजिबल। फोर्सेज क्या हो जाएंगे? बिकम नेग्लिजिबल। अगर फोर्सेज नेग्लिजिबल हो गए, मीन फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका मतलब रिमूव हो गया। ओके, हमने डिस्कस किया था, बहुत बोर्ड ने बताया था मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन में ये पॉइंट। ओके, नाउ तो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चला जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या बनेगा? फिर जो डिफरेंस होगा इनफाइनाइट एनर्जी लेवल माइनस ग्राउंड एनर्जी लेवल की एनर्जी का डिफरेंस, डेल्टा ई जो बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो बनेगा बेटा यहां पर। ओके, पहले मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखता हूं। ईएन इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला था हमारे पास, 2π² एम ई रे टू द पावर 4 अपॉन n² h², ये था हाइड्रोजन एटम के लिए था फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी से। ओके, इन एनी स्टेशनरी स्टेट। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए क्या कर दिया था? z². ओके, अब ये कांस्टेंट है 2πme, इलेक्ट्रॉन के लिए सब ये सब कांस्टेंट है, h प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। हम इसको कांस्टेंट पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला इजी हो जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस इज बिकम इक्वल टू -k इनटू z² अपॉन n² दिस, वेयर k है क्या? k क्या है बेटा? ये दिस k इज 2π² m e रेज टू द पावर 4 अपॉन h² दिस इज k। हमने इसको k पुट कर दिया बेटा, दिस इज k। ओके, तो क्या बच गया? अगर ये निकाल देंगे इसमें से तो क्या बच जाएगा? ये दिस 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 ये k बन गया। क्या बच गया सिर्फ यहाँ पर? माइनस साइन बच गया, z² अपॉन n² माइनस साइन z² अपॉन n² और इस पूरे की जगह क्या पुट कर दिया हमने? इसके जगह k पुट कर दिया। ये फॉर्मूला बन गया, इजी हो जाएगा। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी नाउ? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन क्या बनेगी? दैट इज इक्वल टू, मैंने कहा था इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। और हीलियम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? हीलियम आयन में, हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो E1, E∞ माइनस E1, अगर ये हम करेंगे तो सॉल्यूशन बन सकता है यहां पर। ओके, E∞ पुट करो, n की वैल्यू इन्फिनिटी है, n∞1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0, ये 0 हो गई, माइनस E1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस k इंटू z². ओके, और z की वैल्यू क्या है इसके लिए? हीलियम आयन के लिए z की वैल्यू 2 होती है, एटॉमिक नंबर 2 है बेटा। ओके, तो z इज 2 एंड
एन इज ए वन, ये वैल्यूज पुट करेंगे फॉर हीलियम आयन। हीलियम आयन के लिए ये वैल्यूज है, जेड टू है बेटा यहाँ पर और एन वन है बेटा यहाँ पर। ओके पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन ये है। ओके ई वन यहाँ पर वन पुट करेंगे तो माइनस ऑफ के इंटू टू का स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये टू टू जा फोर, फोर के ये आ गया। और आयरस एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, गिवन है हमें आयरस एनर्जी दैट इज 8.72 इनटू 10 पावर माइनस 18, दिस इज आयरस एनर्जी गिवन है, वैल्यू पुट कर दो 8.72 इनटू 10 पावर माइनस 18 जूल्स, ये गिवन है। तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4, 8.72 इनटू 10 पावर माइनस 18 अपॉन 4, ये आ गया के, है ना, 4 टू जा 8, 2.1 समथिंग आ जाएगा यहां पर बेटा ये। ओके तो यहां से हमें मिल जाएगी बेटा K की वैल्यू 2.18। ओके 3 बचेगा ना, 4 8 जा 32 होता है इनटू 10 पावर माइनस 18 जूल्स पर एटम, या ठीक है ये ले लिया हमने स्पोर्ट्स, K की वैल्यू आ गई बेटा, दिस इज K। नाउ अब भाई ठीक है यहां तक आ गया K, हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम आयन। लिथियम आयन के लिए फोर लिथियम आयन क्या होगा, फोर लिथियम आयन Li2 पॉजिटिव, जेड इज 3, एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम आयन के लिए बेटा, और फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट मीन एन इज 1, वही एनर्जी लेवल 1 है, एन की वैल्यू 1 है। अगेन फॉर्मूला पुट कर दो, यही ई एन इज इक्वल टू क्या था, ई 1 हो जाएगा लिथियम आयन के लिए, या en पहले लिख देता हूं इक्वल टू माइनस के इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होगा। दोबारा से पुट कर दो, k की वैल्यू आ गई हमारे पास, जेड की वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू पुट कर दो बस, कुछ भी नहीं है। ओके क्या बनेगा, e1 इज इक्वल टू क्या हो गया, k की वैल्यू क्या बेटा 2.18 माइनस साइन है इनटू 10 टू द पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या 3 3 3 9 अपॉन एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गई वैल्यू, सॉल्व करके देखो इसको, इट कम्स आउट टू बी, सॉल्व कर देंगे 9 टू जा 18 माइनस 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके तो अगर हम इसको वैल्यू पुट करते हैं और फिर 19 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो माइनस 19.62 बनेगा ये। ओके माइनस 19.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल्स पर एटम। ओके दिस इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट फॉर लिथियम आयन, लिथियम आयन के हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए अप्लाई किया हमने ये फॉर्मूला बेटा, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हीलियम आयन के लिए आयरस एनर्जी गिवन थी, लिथियम आयन की फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी पूछी है, पजल होने की जरूरत नहीं, कभी सोचो कि गिवन हीलियम के लिए है, कैलकुलेट लिथियम के लिए करना है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ओके आयरस एनर्जी आपको माइंड में रखना, आयरस एनर्जी होती क्या, ई इन्फिनिट माइनस ई वन हो जाएगा, हमेशा इससे कैलकुलेट करेंगे, इसे पुट कर दिया बेटा हमने वैल्यूज, सोल्व हो गया है, कुछ भी नहीं, फोर के आ गया, के की वैल्यू आ गई। लिथियम आयन के लिए फॉर्मूला पुट कर दिया फिर से, यही सेम वैल्यू पुट कर दी, सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि टू विच ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग कितनी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ये पूछा बेटा कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में चला जाएगा, कौन से ऑर्बिट में, ऑर्बिट मीन एनर्जी लेवल मीन स्टेशनरी स्टेट मीन एनर्जी स्टेट, सिंपल। ओके नाउ तो सिंपल, कोई दिक्कत बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टू विच ऑर्बिट मीन एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ऑर्बिट नंबर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम विल जंप ऑन एब्जॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ही एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं
इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम क्या था फॉर्मूला आपके पास, En इज इक्वल टू क्या था बेटा, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, मतलब अंडरस्टैंड क्या पाए, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये था हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है बेटा, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में ही होता है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1। फॉर हाइड्रोजन एटम n इज 1, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, तो 1 पुट करेंगे यहां पर, देयरफॉर e1 क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ गया -13.6 ही आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1 आ गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो कौन से ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, ये पूछा आपसे। ओके, तो नाउ ऑन एब्सॉर्बिंग, ऑन एब्सॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगी, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, या फिर हम सिंपल बोल देते हैं द टोटल एनर्जी बिकम्स, ओके टोटल एनर्जी विल बी कितनी हो जाएगी, ये देखो बेटा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, देखो ये E1 फर्स्ट ऑर्बिट में था इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी कितनी थी -13.6, इतनी एब्जॉर्ब कर ली थी मीन प्लस कर दिया 12.1, देखो ये कितनी हो जाएगी -1.5 रह गया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए टोटल एनर्जी मीन En आ गया EM। नाउ दिस इज EN, ये EN आ गया हमारा टोटल एनर्जी, ये है n के वैल्यू में कैलकुलेट करनी कौन से जाएगा, अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला बेटा फिर से, देयरफॉर अगेन EN इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके हाँ जी, एन ई एन के अंदर पुट कर दो, -1.5 था ना ये प्लस -1.5 था दिस -1.5, तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा एंड एन बिकम्स इक्वल टू 3, मीन इलेक्ट्रॉन विल जंप टू थर्ड ऑर्बिट, मीनिंग क्या है द इलेक्ट्रॉन विल जंप टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट में जंप कर जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन। ओके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी होगी, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर ग्राउंड एनर्जी लेवल है जो 1, n इज इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी सेकेंड एनर्जी लेवल। ओके हाँ जी, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे, मीन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जंप कर गया है, तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, फिर उन दोनों का गैप उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी हमें तब जाकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। ओके मीन डेल्टा ई जो आएगा दैट इज E2 माइनस E1 इज नथिंग बट दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये बन जाएगी बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा हम, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में बार बार बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का होता है फर्स्ट ऑर्बिट में होता है बेटा, ये सेकंड ऑर्बिट है सपोज, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर आ गया सेकंड, n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके ये बन गया,
तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, दिस गैप, ये यहाँ पर एनर्जी होगी ई वन, यहाँ पर एनर्जी होगी ई टू, दोनों का डिफरेंस आएगा डेल्टा ई, मीन डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा ई टू माइनस ई वन, ये दिस इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ये होगी बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके इन द हाइड्रोजन एटम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है जो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा ई टू माइनस ई वन, पुट कर देंगे वैल्यूज, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। नाउ पहले अब एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या था एनर्जी का फॉर्मूला, ई एन इज इक्वल टू क्या था माइनस 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, मैं किलो जूल पर मोल में लेता हूँ, ये फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा ओके। तो ई टू माइनस ई वन, एन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ई टू माइनस ई वन, ई टू के लिए क्या होगा माइनस 1312 अपॉन टू, एन की वैल्यू टू का स्क्वायर माइनस ई वन, माइनस ऑफ माइनस साइन तो ये है, इसके लिए नेगेटिव साइन है ना जो अलग होगा, ई वन, ई वन मीन दिस विद नेगेटिव साइन, मैं माइनस 1312 अपॉन वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा माइनस 1312 अपॉन वन स्क्वायर, ये हो गया बेटा ओके। तो इसको सोल्व करेंगे हम, कितना बन जाएगा ये अगर सोल्व करते हैं हम इसको, तो माइनस 328 आ जाएगा, सिंपल ये सोल्व करेंगे, एक मैंने आपको बोहर मॉडल में भी समझाया था ओके। माइनस 1312 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 328 किलो जूल पर मोल आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1312 आ गया ओके। कितनी हो गई दिस इज कम्स आउट टू पॉजिटिव वैल्यू बन गई बेटा है ना, और पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ गई 984 बनेगा, यस 984 किलो जूल पर मोल, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी डेल्टा ई आ गया, फर्स्ट केस हो गया, फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा सिंपल, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी भाई जब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब मीन यहाँ पर जो एनर्जी होगी इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में कौन सी होगी, ई इन्फिनिटी, तो ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, फॉर ग्राउंड एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, थोड़ी देर पहले बताया था अभी पिछले न्यूमेरिकल में ओके, उसे पिछले सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था हमने। नाउ ई इन्फिनिटी वही फॉर्मूला पुट कर दो चाहे ये वाला ओके, एन की वैल्यू क्या इन्फिनिटी के लिए इनफाइनाइट एनर्जी लेवल में एन की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है बेटा जीरो, ठीक है पुट कर देंगे जीरो हो गया, माइनस ई वन माइनस साइन तो ये है माइनस ये होगा माइनस 1312 अपॉन वन का स्क्वायर, ये बन गया ओके, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1312 किलो जूल पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी आ गई बेटा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो ये आंसर आ गए भाई दोनों आपके ओके। दिस सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, तो बोहर्स मॉडल से रिलेटेड आप और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक से अदर बुक से ओके। डू वर्क मोर एंड मोर, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ओके। अगेन इन द लास्ट आई वांट टू टेल यू बेटा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दो ताकि मुझे एनर्जी मिले, मुझे एनर्जी मिलेगी मैं और अच्छा टीच करूंगा, आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी, थैंक्स अ लॉट बेटा।